हरे कृष्णा। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये रहेगा टॉपिक। टारो में से लेंगे 5 कार्ड्स, ओरेकल देख लेने वाले हैं तो उसमें से भी लेंगे 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड है द लवर्स का, तो काफी ज्यादा रोमांटिक ख्यालात कुछ उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। आपके साथ क्लोजनेस चाहते हैं, ये उनका शायद सपना हो सकता है, और ये सपना कब पूरा होगा इसको लेके शायद आज ये कुछ काफी ज्यादा ही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपको काफी मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। कुछ लोगों का शायद साइन हो सकता है सैजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पे एरो भी है और ये सिंबल भी है, तो उनको पता है कि ये प्यार का जो तीर है वो जल चुका है, यानी कि दिल के ऊपर दोनों के भी वो असर छाया हुआ है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, भाग के आपकी तरफ आने का मन कर रहा है, हो सकता है लेट नाइट आपसे कुछ और ज़्यादा कम्युनिकेशन करने का उनका मन कर रहा है, जिसकी वजह से अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हो सकता है एटलीस्ट आपके घर के बाहर खड़े हो के आपका इंतज़ार करते हुए आपको मैसेज करे कि मैं यहीं पे हूँ। ऐसा आपको अगर पता चले तो आपका रिएक्शन क्या होगा, इस तरह की थोड़ी एनर्जी है। और शायद कुछ लोगों को हो सकता है अपने पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेजेस भी आ सकते हैं शायद सुबह तक। फिर है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, उन्हें पता है कि राइट नाउ रिलैक्सेशन की जरूरत है और ये सुकून का वक्त है, जो सुकून उनको नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि क्या करके मुझे सुकून मिलेगा, और शायद ये बातें अपने दिलो दिमाग से थोड़ी सी साइड में करना चाहते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि राइट नाउ उन्हें बस आपसे मिलना है और आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है उनको आपके सिवाय, और जैसे यहाँ पे दो कौवे हैं वो कुछ बोल रहे हैं, वैसे ही बार बार शायद आपकी कुछ बातें उनको याद आ रही हैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो वो बातें उनके दिल में और दिमाग में घूम रही हैं और आपके प्यार का जादू उनके ऊपर छाया हुआ है, जिसकी वजह से और कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे, क्या बात है। फिर है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों बाउल्स में काफी ज्यादा कलरफुल एनर्जी है, तो उन्हें भी पता है कि आप भी उनको मिस करते होंगे, आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि काश मेरा पर्सन मेरे साथ इस वक्त होता या होती, तो वही एनर्जी उन्हें लगता है जैसे वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वैसे ही आप उनके लिए फील कर रहे होंगे या कर रही होंगी।
फिर है आई मेड अ मिस्टेक, तो कुछ शायद गलती की है इन्होंने और वो गलती आपको बताना चाहते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी गलती भी हो सकती है या फिर कोई ऐसी गलती आपके सामने वो रखना चाहते हैं जो शायद थोड़ी बड़ी है और ये मानना चाहते हैं कि मैंने गलती कर दी है, क्या तुम मुझे माफ करोगे या करोगी। फिर है आई फील यू थ्रू म्यूजिक, तो शायद नींद नहीं आ रही है जिसकी वजह से कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई आप दोनों ने साथ में सुना हुआ सॉन्ग हो सकता है, कोई आपका फेवरेट ट्रैक हो सकता है या फिर कोई रोमांटिक धुन सुन रहे हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा रोमांटिक एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं। फिर है विल यू वेट फॉर मी, तो कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ियों के बारे में सोचा जा रहा है और इनको लग रहा है कि क्या आप उनका इंतजार करेंगे। मतलब हो सकता है किसी ने किसी से कमिटमेंट मांगा है और ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि आखिर मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट कब दे पाऊंगा, क्या तब तक वो मेरे लिए रुकेगा या मेरा इंतजार करेगा। फिर है आई डिजर्व दिस कर्मा, तो जो भी राइट नाउ उनकी जिंदगी में हो रहा है, अगर इन्हें थोड़ा मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ रहा है तो भी उनको लग रहा है कि वो ये डिजर्व करते हैं और कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये भी शायद हो सकता है कि उनको लग रहा है ये उनके अच्छे कर्मों का फल है। जैसे कि अगर आपको लेके वो खुश है कि मुझे ये पर्सन अपनी जिंदगी में मिला तो उन्हें लगता है ये मेरे अच्छे कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये पर्सन मिला है। फिर है आई डिडंट शो यू व्हाट यू मीन टू बी, तो आपके सामने कोई सरप्राइज ये रखना चाहते हैं या शायद आपके सामने वो इजहार करना चाहते हैं कि आखिर आप इनके लिए क्या मायने रखते हैं और ये उन्होंने अगर बात अब तक आपके सामने रिवील नहीं की है तो वो किस तरह से रिवील करनी चाहिए इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। फिर है प्रोटेक्शन आई एम सेफ, तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो ये पर्सन हो सकता है अपने आप को लेके काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अपने जोन से साइड में हट के कुछ नहीं करते, लेकिन राइट ना उनका मन कर रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़े। यानी कि यहाँ पे भी जैसे हमने कार्ड देखा नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, तो आपकी तरफ आने का उनका मन कर रहा है क्योंकि इन्हें इस सर्कल से निकलना है। फिर है नर्चरिंग आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल थॉट्स भी हैं, रोमांटिक एनर्जी भी है और वो चाहते हैं कि आप दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का ख्याल रखें और ये भी उन्हें लग रहा है कि डिवाइनली आप दोनों का कनेक्शन है इसीलिए आप दोनों का इस तरह से मिलना जुलना हो पाया, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी हमें मिला है और ये टू ऑफ कप्स का कार्ड भी हमें मिला है। फिर है इमोशंस आई रिलीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो काफी ज्यादा स्ट्रांगली आपके बारे में कुछ फील कर रहे हैं, आपकी याद बहुत ज्यादा तड़पा रही है और ये इमोशंस आपके सामने रिलीज करना चाहते, यानी कि आपके सामने ये सब बातें एक्सप्रेस करना चाहते भले ही कितनी भी रात के क्यों ना बजे हो। फिर है बाउंड्रीज आई एम एंटाइटल्ड टू से नो, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो बाउंड्रीज में फंसा हुआ है और इस बाउंड्रीज से ये निकलना चाहते हैं, जैसे कि पहले कार्ड में भी हमने देखा इस सर्कल से वो बाहर आने की कोशिश करना चाहते हैं, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस छोड़ के जैसे प्यार सब दीवारें तोड़ देता है वैसी एनर्जी में कुछ आपके बारे में सोचा जा रहा है। फाइनल कार्ड है डिवाइन असिस्टेंस आई एम ओपन टू रिसीव, तो डिवाइन से हेल्प मांगी जा रही है, जैसे कि ये अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो शायद डिवाइन से रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरी पर्सन को मेरी इतनी ज्यादा याद आए कि वो मुझे खुद सामने से कॉल करे या मैसेज या फिर मैं उससे कुछ कम्युनिकेट कर पाऊँ, ऐसे कुछ बात बन जाए। तो इस तरह के कुछ आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन के मोड में भी ये पर्सन है जहाँ पे ऊपर वाले का डिवाइन का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ राइट नाउ कनेक्ट होने का भी उनका मन है, भले ही वो सब बातें फोन के थ्रू हो लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि राइट नाउ भी ये आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग।